पूजा, दीपक बहुत अच्छा लड़का है। ये पटना में अंधे लोगों के स्कूल में पढ़ाता है। दीपक, तुम्हारे संगीत साम्राज्य का क्या हालचाल है? अपने स्कूल के बच्चों को गीत संगीत भी सिखा रहे हो या सिर्फ पढ़ा ही रहे हो? किताबी ज्ञान? दीदी, मैं अभी इस लायक कहाँ हुआ हूँ कि बच्चों को संगीत सिखा सकूँ? हो क्यों नहीं, मैं जानती नहीं हूँ क्या पूजा कि बहुत अच्छा हारमोनियम बजाता है और गाता भी है। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। दीपक, तुम कुछ दिन अपने गांव में रहोगे ना? हाँ दीदी, कोई काम था। हाँ, एक दिन समय निकाल कर तुम अनाथ आश्रम के बच्चों को अपना गाना वाना सुनाओ ना, हारमोनियम के साथ। उन्हें भी नया माहौल मिलेगा, क्यों पूजा? जी दीपक जी, बच्चों के साथ साथ हम भी गीत संगीत का आनंद उठा लेंगे। जी जी नहीं पूजा जी। क्यों दीपक? ऐसे ही दीदी, आजकल मन कुछ ठीक नहीं रहता और पहले जैसा उत्साह भी नहीं रहा। अब दीपक, कोई बात हुई है क्या? पहले तुम यहाँ आते थे तो हमेशा हंसते हंसाते रहते थे। तुम्हारे जैसे हसमुख इंसान के मुंह से इतनी उदासी भरी बात। दीदी, इंसान के जीवन में कभी कभी कोई ऐसी घटना घट जाती है जिससे उसका पूरा जीवन ही बदल जाता है। अब चलता हूँ दीदी। लेकिन हुआ क्या है ये तो बताओ। फिर कभी दीदी। हाँ, ये बच्चों के लिए बिस्किट और टॉफी लाया था। माला, मुझे लग रहा है कि दीपक जी भी हमारी तरह दुखी आत्मा है। इनके जीवन में भी जरूर कोई गंभीर घटना घटी है। लग तो रहा है, दोबारा आएगा तो जान कर रहूंगी। चलो। हिमानी, हिमानी, अपने भैया को माफ कर दो। मैंने अगर तुम्हारे परिवार वालों के बारे में अच्छे से जांच पड़ताल किया होता तो तुम्हें इतना कष्ट नहीं सहना पड़ता। तुम चिंता मत करो, जब गलती मैंने की है तो उसको मैं ही सुधारूंगा। मैं बाबूजी को लेकर तुम्हारे ससुराल जाऊंगा, उन लोगों को समझाऊंगा। अगर थोड़े बहुत पैसे देने से उन लोगों का मुंह बंद हो जाएगा तो मैं वो भी करूंगा, लेकिन अब तुमको मैं कष्ट नहीं सहने दूंगा। अच्छा, एक बात तुम्हें मालूम है या नहीं? क्या? शालू की आंखों की रोशनी वापस आ गई है। माँ बाबूजी चेन्नई गए थे उससे मिलने, उसका ऑपरेशन सफल हो गया। ये तो बहुत अच्छी बात है भैया। हाँ हिमानी, सबसे ज्यादा खुशी तो माँ को हुई है। माँ को? वो क्यों? माँ शालू को फिर से इस घर में लाना चाहती हैं।
वो शालू को बहू का दर्जा देना चाहती हैं। सच भैया? हाँ हिमानी, मैं पहले तो तैयार नहीं था, लेकिन माँ की जिद के आगे मैं हार गया। माँ की खुशी में ही मेरी खुशी है। शालू इस घर में आ जाएगी तो माँ का सहारा भी हो जाएगा और सुकून भी मिलेगा। मैं जल्द ही वक्त निकालकर शालू से बात करूंगा। दीपक, तुम मुझे अपनी दीदी मानते हो ना? तो क्या अपने दिल की बात मुझसे नहीं बताओगे? और कल केस घटना के बारे में बात कर रहे थे, और आज कल इतने उदास क्यों हो तुम? जाने दीजिए दीदी, घाव कुरेदने से और हरे ही होते हैं। अच्छा ये तो बताओ, पिछली बार आए थे तो कह रहे थे कि जल्दी ही अपनी दुल्हनिया से मिलवाओगे, कब मिला रहे हो उससे? क्या हुआ, कोई लड़की नहीं मिली क्या? मिली थी दीदी, बहुत अच्छी लड़की मिली थी, पर क्या दीदी, जब मैं पटना में रहने गया तो वहां एक लड़की से मुलाकात हुई। कौन? मैडम जरा ये पता बता दीजिए ना प्लीज। देखिए आप बुरा मत मानिए, किसी और से पूछ लीजिए। मैडम प्लीज, मैं अंधा हूं। फिर एक दिन वो मेरे घर पर आई, तब मुझे पता चला कि वो भी अंधी है, देख नहीं सकती। कैसा लग रहा है मेरा घर? सब ठीक ठाक तो है ना? क्या बोलू मैं, मतलब आपको शायद ये जानकर हैरानी होगी कि मैं भी देख नहीं सकती। बेचारी तुम्हारे पास अपनी तकलीफ भुलाने आती होगी। हाँ दीदी, पहली ही मुलाकात में वो मुझे बहुत अच्छी लगी, फिर धीरे धीरे अक्सर हमारी मुलाकात होने लगी। वो जब भी फ्री होती मेरे पास आ जाया करती थी, उसके साथ मेरा समय कैसे बीत जाता था पता ही नहीं चलता था। इतनी अच्छी लड़की के साथ भगवान ने बहुत बुरा किया। अब क्या नाम है उसका? शालू। बहुत ही प्यारा नाम है, क्या तुम्हें वो पसंद है? बहुत ज्यादा दीदी। फिर तुमने उससे शादी की बात की? मैं तो हिचक रहा था दीदी, पर उसी ने कहा कि वो मेरा साथ चाहती है जीवन भर के लिए। ये तो बहुत अच्छी बात थी, फिर क्या दिक्कत है? दिक्कत उसकी तरफ से नहीं है दीदी, उसने तो अपने अतीत की सारी बातें पहले ही बता दी थी। उसकी पहले भी शादी हो चुकी थी, पर वो अपने पति से अलग रहती है। इसके बाद भी उसके बड़े भैया गुड्डू
मेरे हाँ कहने पर हम दोनों की शादी कराने को राजी हो गए। जब सब राजी थे फिर तुम सब छोड़कर यहाँ क्यों चले आए? क्योंकि अब उसकी आंखों की रोशनी वापस आ गई है दीदी। मतलब? उसके भैया उसका ऑपरेशन चेन्नई में कराना चाहते थे, पर शालू ऑपरेशन के लिए तैयार नहीं थी। तब उसके गुड्डू भैया मेरे पास आए। दीपक बाबू, अब आप ही शालू को मना सकते हैं। उसने हमारी बात मानने से मना कर दिया है। वो ऑपरेशन नहीं करवाना चाहती है। ये आप क्या कह रहे हैं भैया? हाँ दीपक बाबू, वो आपका साथ पाने के लिए अपनी आंखों की रोशनी वापस नहीं पाना चाहती। हम आपके हाथ जोड़ते हैं, उसे मना लीजिए। मुझे ऑपरेशन नहीं कराना, मुझे ऐसे ही रहना है। आपकी रोशनी आ जाएगी तो मुझे कितनी खुशी मिलेगी, आपने सोचा है? मान जाइए शारू जी, अपने लिए ना सही तो मेरे लिए ही मान जाइए। तब कहीं जाकर वो ऑपरेशन के लिए तैयार हुई। जब सब कुछ ठीक हो रहा था तो अड़चन कहाँ थी? अड़चन थी दीदी, बहुत बड़ी अड़चन थी। शालू के जीवन में रोशनी आ रही थी, बाहर आ रही थी। मैं अपने स्वार्थ के लिए उसकी खुशियों को दांव पर कैसे लगा सकता था? मुझ अंधे के साथ वो जीवन में क्या सुख पाएगी? मैंने बहुत सोच समझकर ही फैसला किया कि मुझे उसकी जिंदगी से निकल जाना चाहिए हमेशा के लिए। लेकिन दीपक, जब उसे पता चलेगा तो? तकलीफ होगी, दुख होगा, पर कुछ समय के लिए। शादी के बाद तो उसे जिंदगी भर तकलीफ उठानी पड़ती। दीदी, अब मैं यहीं अपने गांव में रहूंगा, यहां आकर बच्चों को पढ़ाऊंगा, लिखाऊंगा, उन्हें संगीत भी सिखाऊंगा। शायद कुछ दिनों में मैं इस दुख से उबर जाऊं। क्या बात है, आज 4 दिन हो गए जब से आप चेन्नई से आई हैं। एकदम उदास उदास दिख रही हैं, ना किसी से ठीक से बात कर रही हैं और ना किसी बात का जवाब दे रही हैं। मां, आप अगर इस बात से नाराज हैं कि मैं आपसे वादा करने के बाद भी शालू की खोजबीन क्यों नहीं कर रहा हूं, उसको इस घर में लाने की कोशिश क्यों नहीं कर रहा हूं, तो आप ये नाराजगी छोड़ दीजिए। आपको उदास होने की कोई जरूरत नहीं है। मैं अपने वादे से पीछे नहीं हटा हूं, मैं तो बस अपने दिल को मजबूत करने की कोशिश कर रहा था, शालू को अपनाने के लिए खुद को तैयार कर रहा था। मां, जिस दिल में सिर्फ और सिर्फ मेरी पूजा रहती है, वहां शालू के लिए जगह बनाने की कोशिश कर रहा हूं।